हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर, उसका जो चैप्टर सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 2 जो उसमें डी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका लेक्चर नंबर 1 है। और आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद इपिलिप्सी जो होती है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, उसके इटोलॉजी देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टिगेशन या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन्स, यानी उसका जो प्रिंसिपल फंक्शन यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो क्या है, न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी जो न्यूरॉन्स है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, इट हैज बिन यूनिक एबिलिटी टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, यानी जो न्यूरॉन्स हैं इसके पास एक अच्छी एबिलिटी है कि ये रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, न्यूरॉन्स के द्वारा। न्यूरॉन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड एट डिफरेंट लोकेशन हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ, इंक्लूडिंग फंक्शनल रोल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कनेक्शंस, ट्रांसमिटेड न्यूरो ट्रांसमिटर यूज्ड, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट एंड लेवल ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी एट द गिवन मोमेंट। ठीक है, इन एडिशनल टू न्यूरॉन्स द सीएनएस कंटेन अदर सेल्स, यानी जो सीएनएस होते हैं ये अदर सेल्स करने सच एज एस्ट्रोसाइटिस एंड ओलिगोडेंटरोसाइट्स विच मे हैव द न्यूरोगेलिया ड्यूरिंग एन इंजरी और एबनॉर्मल, दिस सेल्स अंडरगो रेंज ऑफ फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड लीड टू मे ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं क्लिनिकल कंसिडरेशन, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होने पे क्या क्या मतलब जो है डिसीज हो सकती है, जो है डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो एक हो सकता है इपिलेप्सी हो गया, पेरिकोन्सन डिसीज हो गया, अल्जाइमर डिसीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, माइग्रेन, इनक्लेप्टोपैथोलॉजी, सीजर्स, ठीक है, पेलोपैथी, इनक्लोपैथोपैली और सीजिक्योर हो गए। ठीक है, ये सारे डिसीज कंडीशन डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टेट। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें इपिलिप्सी के बारे में। इपिलिप्सी इज ए न्यूरो सिस्टम डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन ब्रेन सेल्स, यानी जो इपिलिप्सी है ये एक न्यूरो सिस्टम डिसऑर्डर है, किस वजह से होती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज की वजह से, किस में, ब्रेन में, यानी एबनॉर्मल इलेक्टिविटी होने लग जाती है ब्रेन में। इट कॉल सीजर्स भी बोल सकते हैं या कॉन्वुलेंट, कॉन्वुलेंट में हम बोल सकते हैं। दिस डिसऑर्डर रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलंटरी मूवमेंट एंड शेकिंग ऑफ द बॉडी, इसमें क्या देखने को मिल सकता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन, फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट और शेकिंग ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी शेक होने लग जाती है। ठीक है, इपिलिप्सी कंडीशन में। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स या इपिलिप्सी। सीजर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, तो ये हो गया पार्शल हो गए, एक हो गया जनरलाइज सीजर। तो पार्शल में कहते हैं इट मेनली अपियर इन ओनली एट वन हेमिस्पियर, पार्शल में या फोकल सीजर्स में क्या होता है कि ये अपियर होता है सिर्फ एक ही हेमिस्पियर में, दैट मीन्स सिम्टम्स ओनली हैपन इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वन साइड ऑफ बॉडी, यानी इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही साइड ऑफ द बॉडी और स्पेसिफिक पार्ट पे ही ये अपना एक्शन शो कराता है। बट फोकल सीजर कैन समटाइम्स स्प्रेड एंड बिकम जनरलाइज सीजर, यानी फोकल सीजर होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि ये स्प्रेड हो जाता है सब जगह पे और ये जनरलाइज सीजर बन जाता है। सिंपल पार्शियली सीजर विद मोटर सेंसरी एंड ऑटोमेटिक सिम्टम्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और पार्शियल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें जनरलाइज सीजर्स में, दे और सीजर दैट हैपन इन बोथ हेमिस्पेयर, इसमें क्या है कि दोनों हेमिस्पेयर में, आपके जो ब्रेन के दोनों हेमिस्पेयर हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है, ऑफ योर ब्रेन साइड, दिस सीजर टेंड टू कॉज मोर सेवियर इफेक्ट एंड सिम्टम, ये बहुत ज्यादा सेवियर इफेक्ट और सिम्टम्स शो करते हैं। एबसेंट सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर्स हो गए, अदर जैसे माइक्लोनिक, टोनिक और क्लोनिक एटोनिक। ठीक है, ये हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स। नेक्स्ट देखते हैं इटोलॉजी, यानी कॉजस, यानी
किस कंडीशंस की वजह से ये हो सकते हैं, कॉजेस इसके क्या ही तो है, ब्रेन इंजरी में, हाई फीवर में, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी होने, या ब्रेन में उस कंडीशन में, ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में, और जेनेटिक ब्रेन डिसऑर्डर में भी आपको देखने को मिल सकता है, और स्ट्रोक में रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, इस कंडीशन में भी आपको ये जो है एपिलेप्सी देखने को मिल सकता है। पैथोलॉजी की बात करें तो ड्यू टू इटोलॉजी फैक्टर, ठीक है, इटोलॉजी फैक्टर की वजह से जो न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन अल्टर्ड हो जाती है, यानी चेंज होते हैं, रिपीट एक्शन पोटेंशियली, जो एक्शन है वो रिपीट होता रहता है, और रैपिड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, उसके बाद क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्प्रेड टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, उसके बाद क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है दूसरी सेल्स की ऑफ द ब्रेन में। द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच टू स्केलेटन मसल, जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं ये स्केलेटन मसल को रीच किया जाते हैं, उसके बाद आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है वो होती है एपिलेप्सी की, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स, ठीक है, रिकरेंट ऑफ सीजर्स हो गए, सडनली स्टिफनेस ड्यू टू अननोन रीजन, यानी स्टिफनेस होने लगती है, सडन फॉलिंग ड्यू टू अननोन रीजन मतलब सडनली फॉल हो जाते हैं, सडन बोर्ट ऑफ चीविंग ड्यू टू अनस्पेसिफिक रीजन, और रिपीटेटिवली इनवॉलंटरी मूवमेंट, यानी रिपीटेटिवली इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को मिलता है, चेंज इन सेंसेशन ऑफ स्मेल टच एंड साउंड, यानी आपको चेंज देखने को मिलता है स्मेल में, टच में और साउंड में, ठीक है, ये हो गए इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कीटोजेनिक डाइट इज यूजफुल इन द चाइल्ड और सफर्ड फ्रॉम द सीवियर, यानी जो कीटोजेनिक डाइट होती है वो मतलब यूजफुल होती है बच्चों के लिए, सफर कर रहे हों अगर वो सीजर से, या कीटोजेनिक डाइट इज हाई फैट एक्वाटिक प्रोटीन, जो कीटोजेनिक डाइट होती है इसमें हाई फैट एक्वाटिक प्रोटीन होती है एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, फॉर एग्जाम्पल फिश मीट एग एंड सी फूड, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, फिश मीट एग सी फूड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल, तो आप ये ड्रग देख सकते हो, बेंजो डाइजापाइन्स काम आते हैं, बारबिट्यूरेट, डिऑक्सी बारबिट्यूरेट, हाइड्रोनिक और एल्फोनोइक कार्बोनिक एसिड, ऑक्सलॉइड और साइक्लिक गाबा एनालजेसिक और एमियोस्टेबिन और अदर ड्रग, ठीक है, ये सारे ड्रग्स जो है एग्जाम में मतलब पूछे जा सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट किस तरीके से, हम एपिलेप्सी की फार्माकोलॉजी एंड मैनेजमेंट क्या है, तो आपको इन ड्रग्स के एग्जाम्पल के साथ आपको ये लिखने पड़ेंगे क्लासिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए, सबसे पहले हमने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके बाद क्लिनिकल कंसल्टेशन, एपिलेप्सी और क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर, इटोलॉजी के बारे में, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।